नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय जिला सचिवालय में मौजूद हैं और एक व्यक्ति आप देख सकते हैं सर पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ पर चोटें लगी हुई हैं और यहां पर बताया जा रहा है एक ज़मीनी विवाद के अंदर जो है इनके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद इन्हें लहूलुहान करके फेंक दिया जाता है, जिसके बाद कई बार इनकी दरख्वास्त इन्होंने पुलिस स्टेशन में भी दी जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और थक हार कर जिला सचिवालय एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं और पूरा मामला क्या है ये बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस समय इनकी हालत ऐसी है कि ये बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके सिर में चोट लगी हुई है और इन्हें बोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे हैं और सबसे पहले कुछ गांव के लोग भी हैं जो इनके साथ पहुंचे हुए हैं, तो पूरा मामला क्या है इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आप एक बार अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं गांव मोहित। क्या मामला है इनका? सबसे पहले तो दर्पण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप गरीबों की फरियाद पर बड़ी ही जल्दी आ जाते हैं और आप एक किस्म से चौथी आर्मी का काम करते हैं, नेवी एयरफोर्स, और चौथा आपका जो रिपोर्टर है आप चौथी फोर्स मानूंगा मैं आपको। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसके लिए आपको सैल्यूट है। और जो मामला है सर, मामला ये है कि ये गरीब बंदे हैं, इन्होंने कोई जमीन वगैरह होगी इनकी, कोई कहीं पंचायती पड़ी हुई है वहाँ पे ये लोग सब्जी वगैरह लगाने का काम करते हैं और कोई साहूकार बंदा है जो गाँव में ज़मीन वगैरह जो जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है उसके यहाँ पर ये बोंडेदार एज ए नौकर काम करते थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ पैसे लेने थे उनसे, पैसे लेने की वजह से पैसे जो नहीं चुका पाए वो लोग, पैसे नहीं दिए, वो बेईमान हो गए, इन्होंने अपने पैसे मांगे तो उन्होंने इनको पैसे नहीं दिए, उन्होंने कहा चले जाओ हम आपको बाद में पैसे देंगे। दो तीन चक्कर लगाने के बावजूद जब इनको लगा पैसे नहीं मिलेंगे तो एक पंचायती ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है उस ज़मीन में जाके इन लोगों ने अपनी थोड़ी सी सब्जी लगा रखी थी, वो सब्जी की देखभाल करने के लिए गए और उन्होंने इनको जान से मारने की धमकी दी, भाई आज के बाद तुम लोग पैसे मांगने आए हमारे से जो तुम्हारी मेहनत बनती है, दूसरा अगर तुम लोग हमारे यहाँ सब्जी के लिए भी आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा। ये गरीब बंदे हैं जी, इनको कुछ नहीं सूझा, इन्होंने क्या किया आके इनकी जो वाइफ है क्या नाम है रानी वाइफ ऑफ संजू के नाम से ये कंप्लेन है। देखिए खतरे की दरख्वास्त दी है 10/5/2022। हाँ, ये इन्होंने एप्लीकेशन दी है एसपी ऑफिस में, एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पुलिस वालों को इंटीमेट नहीं किया जाता, कोई इनको सुरक्षा नहीं दी जाती, उसके बावजूद क्या होता है ये लोग बेचारे, अब इन्होंने रोटी का इंतज़ाम तो करना है, खाने पीने का इंतज़ाम भी करना है, दिहाड़ी मजदूरी वाले इंसान है, नहीं करेंगे तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं इनके जी जी। तो इन्होंने क्या किया, ये दोबारा खेत में गए मजबूरन, उसके बावजूद वो गुट बना के आए, इनके 3-4 भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं जानते, इन्होंने कंप्लेंट में उनका नाम दिया हुआ है, वो 3-4 भाइयों ने इन पर जानलेवा हमला करा, इनकी ये इनकी वाइफ पे गलत जो हाथ डाला उन्होंने, दूसरी बात इन्होंने जब रोकने का प्रयास किया तो इस पे धारदार हथियारों से वार किया, देखो हाथ पे कट का निशान है उस हाथ पे, परले हाथ पे, और सिर पे इंजरी है जिसमें कितने टांके हैं भाई आपको? 12 टांके हैं। 12 टांकों के बावजूद जब ये एप्लीकेशन दोबारा देते हैं एसपी ऑफिस में, इनका सिर्फ और सिर्फ 751 का चलान काटा जाता है, 751 का चलान इन्होंने काटा है पुलिस वालों ने और उनको बाइज्जत बरी मतलब छोड़ दिया है, वो खुले घूम रहे हैं। दूसरा अब दूसरे दिन वो इनके घर के आगे चक्कर लगाते हैं शराब पी के मोटरसाइकिल पे, आके कहते हैं बाहर निकालो संजू को हम देख लेंगे। ये चीज़ें हैं जी, ये घबराए फिर रहे हैं, डरे फिर रहे हैं, ये मेरे संपर्क में हैं, इन्होंने मेरे को बुलाया, गाँव के कुछ और बंदे भी आए हुए हैं, इन्होंने मेरे को बुलाया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं हम दर्पण जी को बुलाते हैं, हमारे और भी बहुत सारे रास्ते हैं आपको हेल्प दिलाने के, हमने आपको कॉल किया और आपके सामने ये सारा मुद्दा रखा है जी, जी, जी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ एसपी साहब से, देखिए एक टैग लाइन है जो मैं बोलना चाहूँगा, आपकी सेवा में सदैव तत्पर, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी सेवा बेशक ना करें लेकिन हमारे हितों के लिए ज़रूर खड़े हों वो, हमारे हितों की रक्षा करें, हमारे हित बनते हैं कि हमारे पे कोई अगर जानलेवा हमला करता है तो ये पुलिस हमारी रक्षा करे, तो हम यही गुहार लगाते हैं इन गरीब फैमिली को इंसाफ दिया जाए और इनकी इन फ्यूचर रक्षा की जाए ताकि वो जो गुंडे लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जो साहूकार लोग हैं, इन पे दोबारा अत्याचार ना करें, ये गरीब बंदों की इज्जत पे हाथ ना डालें और ना ही इनको कोई ऐसा जानलेवा चोट पहुंचाने की कोशिश की जाए, बस यही गुजारिश करना चाहते हैं हम आपसे। तो मतलब मसला पूरा ये है कि ज़मीन ना इनकी है ना उनकी है लेकिन इन्होंने सब्जियां लगाई थी तो उनका इस बात से ऐतराज़ था कि इन्होंने ऐसा किया। हाँ बिल्कुल, ऐतराज़ तो देखिए वो दुश्मनी निकालना चाहते थे क्योंकि ये अपने पैसे मांग रहे थे मेहनत के, उनको अपनी दुश्मनी निकालने का एक मौका चाहिए था, शायद उनको ज़मीन से भी कोई ऐतराज़ ना हो लेकिन ऐतराज़ इनसे था कि ये लोग उनसे पैसे क्यों मांगते हैं, तो इसलिए इनके साथ मारपीट की है। कितने पैसे लेने हैं आपने? 12,000 रुपया।
12,000 रुपया हाँ। तो आप उन्हीं के पास काम करते थे? हाँ, उनके खेतों पास में काम करते थे? खेतों में काम करते थे। मजदूरी का पैसा? मजदूरी का पैसा है हमारा। अच्छा, और उस खेत में हमने सब्जी लगा रखी थी, वहीं जान लग रहे थे, वहाँ बैठ के जाके कह रहे हैं यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो हम मार देंगे आपको जान से ही। मुगल माजरा गाँव से। तो उन्होंने मतलब कौन कौन लोग हैं, नाम क्या है उनके जिन्होंने आपके साथ मारपीट करी, आपके पति के साथ? एक तो कुश है और दूसरा नाम नितिन, और दूसरे का नाम है उसका डॉक्टर, वो क्या नाम है, लोकमिति का विकी। अच्छा, उसने भी क्या है धमकी दे, उसको मार दो पीट दो चाहे जो मर्जी कर लो, मैं आगे खड़ा हूँ। तो ये मारपीट हुए कितने दिन हुए इनके साथ? इनके साथ हुए 14 तारीख को। 14 तारीख को मारपीट हुई। पहले आपने बता रहे हैं थाने में दरख्वास्त भी दी आपने, कुंजपुरा थाने में 3 बार दी है दरख्वास्त, उन्होंने तो हमारे को धमकी दी है क्या आप यहाँ क्या करने आते हो। कोई किसने धमकी दी? पुलिस वालों ने। हाँ, पुलिस वालों ने क्या बोले? ये बोले आपकी दरखास्त कुछ नहीं चलेगी यहाँ पे, वो तो बड़े लोग हैं आपको मरवा देंगे। अच्छा, खत्म करवा देंगे, आप आराम से बैठ जाओ घर जाके। अच्छा, कुछ नहीं होने का। अच्छा, और हम वहाँ एडमिट होने गए थे, वहाँ बाहर से हमारे को बाहर निकाल दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, थाने में भी डीसी पे चलते कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, हमारे को सहायता चाहिए, हम तो गरीब लोग हैं जी। जी, क्या नाम है आपका? रानी। और आपके पति का नाम? संजू। संजू नाम है। हाँ। सर एक सेकंड और। जी जी जी। और बात जी, मुझे जो पता चली अभी इनके गांव वालों से, जी जी। ये जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन के बावजूद इनको चोट लगी थी, चोट लगने के बाद जैसे ये हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल में कुंजपुरा के हॉस्पिटल में जिस आदमी ने इसको चोट मारी है उसकी जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में कार्यरत है। अच्छा, वो वहाँ पे एज ए डॉक्टर या हेल्पर हो सकता है, वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सिफारिश लगा के कल्पना चावला हॉस्पिटल से इनको एक दिन के लिए एडमिट, ये बड़ी मुश्किल से रहे हैं, अगले दिन रातों रात डिस्चार्ज करके भगा दिया गया इनको वहाँ से। इनको कहा कि आप लोगों का हम ट्रीटमेंट नहीं करते। अब यही बात है, गरीब लोगों का कहीं कुछ नहीं है साहब। एक तो पुलिस वाले इनको मार पिटाई करने का डराते धमकाते हैं, दूसरा डॉक्टर भी इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तीसरा जो वो साहूकार लोग हैं वो भी मार रहे हैं। गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ? सवाल ये है कि गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ? ये छोटे छोटे बच्चे, सुबह इन्होंने नाश्ता किया कि नहीं किया, खाना खाया कि नहीं खाया, ये बच्चे इनके साथ धूप में भटक रहे हैं। अगर उनके बच्चों को ऐसे भटकाया जाए, उनके बच्चों को ऐसे घुमाया जाए तो उनको दर्द महसूस होगा। मैं चाहता हूँ उनके बच्चों को तो नहीं, कम से कम उनको इस चीज़ की सज़ा दे के उनको ये दर्द महसूस कराया जाए कि इन गरीबों को कैसे, क्या इन्होंने उनके साथ किया है। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ, आप हमें ये इंसाफ दिलाने में हमारी हेल्प करोगे सर। जी जी जी। मैं आया इनके पास। जी जी। मेरा सेठ कॉल है सर, कल मैं लेके आया था, इनको फ़ोन किया था भाई ने, मेरे ऐसे से बात है, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा मेरे को, बोला मैं आया जी एडमिट करवा के गया हूँ जी, और उन्होंने बोला है अभी डॉक्टर साहब आएंगे 6 बजे, लेकिन डॉक्टर 6 बजे बिल्कुल नहीं आया जी, फिर 10 बजे इनको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। हॉस्पिटल में करवाया था? सरकारी में जी। कौन से मैं? सरकारी में। अपना चावला। हाँ जी जी। अच्छा, और 10 बजे इसका कॉल आई कर मेरे को अंदर से बेड से बाहर निकाल दिया गया जी। अच्छा, हाँ जी, बाहर निकाल दिया गया ये कल्पना चावला से? हाँ जी जी। अच्छा, बिल्कुल बाहर निकाल दिया कि हमारे इलाज नहीं कर रहे, कह रहे बेड बिल्कुल खाली नहीं है, आप जा सकते हो, बेड बिल्कुल खाली नहीं है। हाँ जी सर। तो यहाँ पर जो है फिलहाल जिस तरीके से मामला सामने आया उसमें ये भी बता रहे हैं कि इस व्यक्ति को इलाज भी सही से नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ कल्पना चावला में इलाज के लिए आते हैं और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है, और बता रहे हैं कि उन्हें इलाज भी सही से नहीं मिला, बकायदा उनके साथ जो मारपीट हुई है उसके लिए दर बदर भटक रहे हैं। एसपी साहब के दफ्तर पहले भी आए थे परिवार के सहित, और वहां पर कंप्लेंट दी गई थी कि उनको धमकी दी गई है। इस बात को हम मानते हैं कि पुलिस हर एक को सिक्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन कार्रवाई तो कर सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी को भी धमकी मिलती है तो उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि पुलिस के कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो लोगों को ये कहकर भेज देते हैं कि धमकियां तो सब लोगों को मिलती रहती हैं, तो हम किस किस को जो है, किस किस के साथ जो है पुलिस को हम भेजते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कार्रवाई भी की जाए। जी जी, ये सबसे पहली आप कंप्लेंट देख सकते हैं एसपी दफ्तर में दी गई है, और इसके अलावा ये दूसरी जो है 17 तारीख को दोबारा दी गई है, जब इनके ऊपर चोट लग चुकी है, जब इनके ऊपर हमला हो चुका है सिर के ऊपर, डॉक्टर्स ने बताया कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, तो किस चीज़ से मारा है सिर पे काफ़ी, 12 टंके बताने लगे हैं उसने, उस दऊ से मारा है, दऊ ले रहे थे लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने का औजार होता है, लकड़ी काटने का औजार होता है, ये बता रहे हैं कि उस चीज़ से मारा गया, वो तेज धारदार हथियार होता है। अच्छा, धारदार होता है, उसके ऊपर कुछ ब्लेड जैसा कुछ लगा होता है? हाँ, ब्लेड जैसा होता है, वो एक लोहे की छड़ होती है, उसको तलवार जैसी धार दे के बनाया गया होता है, खेतों में सफाई करने के लिए, जैसे टहनियाँ काटने के लिए, उससे वार किया गया। 12 टांके हैं इनके सिर में। इनका मेडिकल वगैरह? मेडिकल भी कराया है। मेडिकल हो गया इनका? इंद्री से। इंद्री से मेडिकल हो गया है, वो भी आपके पास ही है मेडिकल? आपके पास है हमारा मेडिकल, मेडिकल। तो फिलहाल जी जी, ये मंत्री के पास एक मैसेज डाला था माला सर,
अनिल विज के पास ही, और मेरे पास कॉल आई थी तुम वहाँ जाओगे, मेरी फ़ोन पे बात हो चुकी है उनसे मंत्री से। कौन कह रहा है? तो बकायदा ये बता रहे हैं कि उन्हें और भी धमकियाँ दी जा रही हैं अनिल विज जी की, क्या बता रहे हैं वो लोग? वो सर कह रहे थे आप वहाँ पे जाओगे मैसेज लेके इनका, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो चुकी है सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर अनिल विज जी के पास भी मार जाओगे तो मेरी फ़ोन पे बात हो चुकी है। फ़ोन पे बात हो चुकी है जी। अच्छा, फ़ोन पे बात होती रहती है सर हमारी। अच्छा, ये बात उन्होंने बोली? हाँ जी सर। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि किस तरीके से गरीब आदमी को दबाने का प्रयास किया जाता है, और बकायदा मेडिकल भी इनका हो चुका है, मेडिकल इनका। तो यहाँ पर जो है फिलहाल इनका जो मेडिकल है वो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनका मेडिकल भी जो है किया गया है, नाम संजय आप देख सकते हैं। और ये ज़रूर है कि अब फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके, और अभी फिलहाल जी जी बताइए। ये MRI करवाई थी कल सर। अच्छा, हाँ जी डॉक्टर, इसी चक्कर में क्या क्या आया इसमें? इसमें तो बिल्कुल डॉक्टर ने ये कहा है, जो कंप्यूटर वाला है ना वो कह रहे हैं सर डॉक्टर सब आएंगे, वैसे तो भाई इसका कोई है नहीं है कि अब तो आगे जा सकता है, आगे चला जाए, इलाज भी यहाँ पे मुश्किल हो पाएगा इसका सर। अच्छा, तो मतलब कहीं और जाना पड़ेगा? हाँ जी, एडमिट कहीं और करना पड़ेगा जी। आप बात नहीं कर पा रहे आप? चोट लगी है सर कई बार इनको, ये रात को कहते हैं उठ उठ के ना ऐसे भागने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं या हाथ पैर मारने लग जाते हैं। इनको दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी चोट लगी है जो हाइड इंजरी कह सकते हैं, वो हाइड इंजरी आई है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब है। बता रहे हैं कि सिर पर जो वार हुआ, शायद ये भी पहले आपने बताया था कि शायद सिर पर हड्डी पर जो है चोट। हाँ, हड्डी पर चोट आई है, हड्डी पर भी चोट है, और इनको एक जख्म भी है गहरा जिसमें 12 टांके हैं, और अंदर से ये चोट लगने की वजह से डिस्टर्ब है। रात को उठ उठ के भागते हैं, अपने बच्चों को मारने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं, तो ये चीज इस चीज से भी बहुत ज्यादा परेशान है ये लोग। तो यहाँ पर जो अभी आप SP साहब से अभी आके अभी मुलाकात हुई है, ये आए बैठे थे काफी सुबह, 3-4 घंटे से यहीं बैठे थे, पहले वाली कार्रवाई इन्होंने दिखाई है, अब पता नहीं बात हुई है कि नहीं हुई। SP साहब से मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। क्या बोला है अभी अंदर? अभी बोला है कुछ देर पहले। अच्छा, इंतजार करने के लिए बोला है? हाँ जी सर, 2 घंटे से बैठे हैं सर यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि इनकी सुनवाई जरूर हो। लगातार जो है 3 कंप्लेंटें देने के बावजूद जो है इनकी ना तो कोई कार्रवाई हुई है, बच्चों के साथ आप समझते हैं कड़कती धूप के अंदर ये लोग खड़े हैं, और इनकी मदद करने के लिए गांव के जो अनेक लोग होते हैं वो भी आए हैं आगे, क्योंकि गरीब इंसान है, सारा दिन किस तरीके से भटक के आप देख सकते हैं, पत्नी है अपने पति को पकड़ के सहारा देकर जो है फिलहाल साथ चल रही हैं, और बकायदा आप समझते हैं कि कहीं कहीं घंटों लग जाते हैं SP साहब से मिलने के लिए, लोग दूर दूर से आते हैं, SP साहब मिलते भी हैं, लेकिन आप समझते हैं कि पूरा दिन तपती गर्मी के अंदर अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और मुगल माजरा का ये पूरा का पूरा जो आपने देखा किस तरीके से उनके ऊपर वार किया जाता है, और सिर्फ इतनी सी बात के लिए क्योंकि उनको अपने 12,000 रुपए लेने हैं, जो कि उन्होंने बताया कि 12,000 रुपए की उनकी जो मजदूरी थी वो उन्हें नहीं मिली, और उसके बावजूद जब वो किसी पंचायती जमीन पर सब्जी लगाते हैं तो उसके बावजूद उसके बाद ये सारा मसला खड़ा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय जरूर मिले, और SP साहब से भी जो है अपील करते हैं कि कुंजपुरा थाने के अंदर कम से कम प्रेशर देकर जो है किसी तरीके से इस मामले में सही तरीके से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान की सुनने वाला कोई नहीं है, और फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए हैं ये उम्मीद लगा के कि जरूर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, और लगातार बता रहे हैं कि अस्पताल में भी इलाज इन्हें नहीं मिल रहा है। तो आपसे प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।